हेलो फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो आज हम 16 अक्टूबर को जो भी इम्पोर्टेंट हेडलाइंस न्यूज़ है उसको डिस्कस करेंगे। तो जिसमें हम इंटरनेशनल, नेशनल, स्पोर्ट्स, जितने भी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग में सारी न्यूज़ हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जो इंग्लैंड के फॉर्मर कैप्टन थे, क्रिकेट के जो फॉर्मर कैप्टन थे इंग्लैंड के, एस्ट्रियन पोक, उनके द्वारा रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दिया गया है। तो इंग्लैंड के जो फॉर्मर कैप्टन एलिस्टर कुक्स थे, जो जिन्होंने अपनी ही कंट्री यानी कि इंग्लैंड के लिए उन्होंने काफ़ी टेस्ट रन स्कोर्स अपने नाम दर्ज किया है, तो उनके द्वारा रिटायरमेंट की घोषणा कर दी गई है। उनके द्वारा रिटायरमेंट के लिए अनाउंसमेंट कर दिया गया है। अगर हम इनके प्रोफेशनल की बात करें तो प्रोफेशनल क्रिकेट में थे, यानी कि इनका जो प्रोफेशनल गेम था वो क्रिकेट था। फिर बात करते हैं 38 ईयर ओल्ड जो कि एक लेफ्ट हैंडेड ओपनर थे, उनके द्वारा क्या है रिटायरमेंट की घोषणा कर दी थी। और जो इंटरनेशनल क्रिकेट था उससे रिटायरमेंट उन्होंने 2018 में कर दिया था। फिर अगर बात करते हैं कुक्स के, जो कुक यानी कि जो एलिस्टियर कुक है, इंग्लैंड टेस्ट कैप्टन, यानी कि 2012 से 2017 तक ये अपने इंग्लैंड के क्या रहे थे, तो टेस्ट यानी कि इंग्लैंड टेस्ट कैप्टन रहे थे। वहीं भी फिर बात करते हैं 69 वनडे इंटरनेशनल मैच में, यानी कि 2010 से लेकर के 2014 तक में ये क्या रहे थे, इंटरनेशनल मैच पे के कैप्टन रहे थे। ये आपका न्यूज़ बन जाता है एक स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग में न्यूज़। अगला देखते हैं, अगला जो न्यूज़ है, तो इंडिया के द्वारा पुश किया जाएगा डेवलप्ड नेशंस टू बिकम कार्बन नेगेटिव इमिशंस बिफोर 2050। अब बात करते हैं इसके बारे में, तो इंडिया जो कि रिसेंटली जो रेसिस्टिंग सेल्स टू जो कमिट हुआ था डीलिंग, यानी कि जो भारत है हमारा देश है वो फेसिंग करेगा कि किस तरीके से, बात करते हैं आज जो हमारे देश में जो कोल, अदर फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स का जो यूज़ किया जाता है, तो जो रिसेंटली आप अभी जो मीटिंग देखने को मिला था COP28 जो कि क्लाइमेट के रिगार्डिंग में, तो ये समिट कहाँ हुआ है, अभी दुबई में। तो इसमें अगर बात करते हैं जो डेवलप्ड नेशंस था जिसमें इंक्लूडिंग यूएसए की बात करते हैं, यूएसए, ब्रिटेन, कनाडा और जापान, इनके द्वारा जो नेट ज़ीरो एमिशंस रखा गया है इनका टारगेट 2050 तक रखा गया है। चाइना की बात करें तो 2060 तक रखा गया है, लेकिन अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो इंडिया के द्वारा 2017 तक का टारगेट रखा गया कि हमारा देश 2017 तक नेट ज़ीरो एम्बिशंस पूरा करेगा। नेक्स्ट हेडलाइंस न्यूज़ देखते हैं। अगला जो हेडलाइंस न्यूज़ है कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के द्वारा क्या है, फोर्थ एडिशन लॉन्च किया गया है, किसका, मिशन शक्ति का फोर्थ एडिशन आपको देखने को मिलेगा, मिशन शक्ति का। अब देखिए, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो फोर्थ एडिशन लॉन्च किया गया है मिशन शक्ति, तो ये एक कहाँ पे देखने को मिला, कहाँ से, तो जो भी ऑफिशियल रेसिडेंस है वहाँ से। अगर हम इस ओकेजन की बात करते हैं तो योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये मेंशन करते हुए कहा गया था कि वोमेन एम्पावरमेंट में बीसी सखी का क्या रोल है, तो उनके कंट्रीब्यूशंस और उनकी जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में बताया था। इस प्रोग्राम की बात करते हैं तो इस प्रोग्राम ने पूरे स्टेट के अंदर एक लीडिंग करने का काम किया था कि क्राइम को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए अगेंस्ट वुमेन, और जो भी क्रिमिनल्स थे यानी कि जो भी क्रिमिनल्स हैं उनको काउंटर करने के लिए, यानी कि उनको पनिश करने के लिए जो क्रिमिनल है, तो किस तरीके से पूरे देश में उन्हें क्या है पनिश किया जाए, इसके रिगार्डिंग में। नेक्स्ट हेडलाइंस न्यूज़ देखते हैं। अगला जो हेडलाइंस न्यूज़ है ये आपका एक तरीके से देखने को मिलेगा, ये भी आपका स्पोर्ट्स न्यूज़ देखने को मिलेगा। इसमें अगर हम बात करें तो देखिए, अगर हम इसमें बात करें तो रौनक साधवानी के द्वारा क्या है, जो 17 इयर्स ओल्ड है, जो कि नागपुर महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, तो उनके द्वारा क्या है, जो अंडर 20 मतलब जो हमारा वर्ल्ड जूनियर रैपिड चेस चैंपियनशिप है जो कि इटली के अंदर आयोजित किया जा रहा है, तो उनके द्वारा ये मैच चैंपियनशिप जीत लिया गया है। फिर बात करते हैं जो हमारे रौनक साधवानी हैं, महाराष्ट्र के एक यंगेस्ट और नागपुर के ओनली एक ग्रैंड मास्टर हैं,
इनके द्वारा क्या है वर्ल्ड पे नंबर एक रैंक हासिल, नंबर एक पोजीशन हासिल की गई है किसके अगेंस्ट में, तो मांगोस कार्लसेंस के अगेंस्ट में इनके द्वारा क्या है, जो कि एक यूरोपियन टाइटल है, तो उनके अगेंस्ट में क्या है इनके द्वारा फर्स्ट नंबर पे, यानी कि फर्स्ट नंबर इनके द्वारा हासिल किया गया। फिर बात करते हैं जो रौनक साधवानी है, उनके द्वारा 8 राउंड यानी कि 8 राउंड उनके द्वारा जीते गए थे और 2 राउंड वो हार गए, तो जिसके वजह से वो क्या है 8.5 मार्क्स यानी कि पॉइंट से वो आगे रहे थे। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, अगला जो हेडलाइंस न्यूज़ है, देखिए जो हमारा सहेला है वो साउथ एशिया प्रीमियर, वो जियो के द्वारा यानी कि MAMI के द्वारा क्या है मुंबई इंटरनेशनल में इसे आयोजित किया जाएगा, मतलब कि जो सहेला है दक्षिण एशिया प्रीमियर जियो MAMI मुंबई इंटरनेशनल में आपको देखने को मिलेगा। फिर देखिए अगला जो न्यूज़ है ये हमारा डिफेंस के रिगार्डिंग में भी है, देखिए अगला जो न्यूज़ है ये हमारा डिफेंस के रिगार्डिंग में भी आप इसको देख सकते हो। अब देखिए इसमें अगर हम बात करते हैं तो इंडियन आर्मी के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है किसमें, जो हमारा कैम्ब्रियन पेट्रोल 2023 मिलिट्री एक्सरसाइज है उसमें। तो देखिए अगर हम इसमें बात करते हैं जो इंडियन आर्मी है ब्रिटेन के वेल्स में जो कैम्ब्रियन पेट्रोल की बात करते हैं, तो जो कॉम्पिटिशन था 2023 जो एक इंटरनेशनल आर्मीज एक्सरसाइज था, तो उसमें इंडिया के द्वारा क्या है गोल्ड मेडल जीता गया। तो इसमें आर्मीज के द्वारा कहा गया कि जो 3x5 गोरख राइफल जिसमें कि फ्रंटियर फोर्स की एक टीम ने ब्रिटेन के वेल्स में जितने भी जो प्रतिष्ठित जो कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास में इंडियन आर्मीज के द्वारा क्या है लीड किया गया, रिप्रेजेंटेड किया गया था। इसमें बात करते हैं इंडियन आर्मी की टीम ने इस प्रतियोगिता में यानी कि जो आयोजन किया जा रहा था इसमें भाग लिया और इसमें टोटल 111 यानी कि टीमों के अगेंस्ट में जाकर के इंडियन आर्मी के द्वारा क्या है गोल्ड मेडल जीता गया है। अगला जो हेडलाइंस न्यूज़ देखते हैं वो है हमारा एक कल्चर यानी कि आर्ट एंड कल्चर को लेकर के आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। देखिए नागालैंड के अंदर सेलिब्रेट किया जाएगा हॉर्नबिल फेस्टिवल। अगर हम हॉर्नबिल फेस्टिवल की बात करते हैं तो हर साल एक से 10 दिसंबर तक, 1 से 10 दिसंबर तक नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है। फिर अगर बात करते हैं इस नागालैंड के हेरिटेज विलेज किसान में आयोजित किया जाता है, जहाँ पे अगर हम बात करते हैं प्रामाणिक नागा संस्कृति और इसकी जो भी परंपराएं हैं ट्रेडिशनल है वो दुनिया भर के लोग इसको देखते हैं। तो 2024 में हॉर्नबिल फेस्टिवल ने 25वें वर्ष को चिन्हित यानी कि 25th बात करते हैं जो 25th ईयर को क्या करेगा वो चिन्हित करेगा, जहाँ के लोग बिल्कुल भी एक नए लेवल पे नए स्तर पर एक नए अनुभव और एक नए उत्साह को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, तो अगला जो न्यूज़ है ये आपका एक तरीके से इंटरनेशनल न्यूज़ बन जाएगा, इंटरनेशनल न्यूज़। अब देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं तो हमारी लोकसभा के जो प्रेसिडेंट हैं ओम बिरला P20 की क्या करेंगे अध्यक्षता ब्राज़ील के संसद को सौंपेंगे। लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं यानी कि जो स्पीकर हैं हमारी कंट्री के लोकसभा के ओम बिरला, उनके द्वारा 9वें जो G20 यानी कि जो 9th G20 जो पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट जो कि हमारी कंट्री में हो रहा है ये आपको यशो भूमि कल से देखने को मिलेगा। ओम बिरला के द्वारा हैंड ओवर किया जाएगा P20 प्रेसिडेंसी पार्लियामेंट ऑफ ब्राज़ील को। फिर बात करते हैं ये जो 2 डेज P20 समिट है बिगेन होगा कल से यानी कि अभी शुरू हो चुका है और यस भूमि नई दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। इसकी जो इनॉग्रेटेड है इसका जो उद्घाटन है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट हेडलाइंस न्यूज देखते हैं, अगला जो हेडलाइंस न्यूज है देखिए अगर हम इस न्यूज की बात करते हैं जो पुरुषोत्तम रूपाला ने चेन्नई के सागर परिक्रम 10वें चरण की यानी कि 10th edition शुरू किया गया। अब देखिए इसमें बात करते हैं जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं हस्बैंड
देखिए हमारी कंट्री की जो यूनियन मिनिस्टर हैं फिशरीज और फिशरीम पुरुषोत्तम रूपाला, उनके द्वारा स्टार्ट किया गया है एक 10th फेज ऑफ सागर परिक्रमा फॉर्म कहाँ पे, चेन्नई के अंदर। अगर हम सागर परिक्रमा की बात करते हैं, ये एक एम्बिशंस प्रोजेक्ट है जो यानी कि एक एम्बिशंस प्रोजेक्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। फिर अगर हम बात करते हैं इसके आगे क्या, तो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराए जाएंगे जो भी इक्विपमेंट है फॉर फिशरमैन, ताकि वो जान सके कि वो जो ट्रेंस पासिंग है इंटरनेशनल वाटर्स पे, और इस प्रोजेक्ट को जो कोऑर्डिनेटेड किया जाएगा किसके साथ मिलकर के किया जाएगा, तो इसरो के साथ किया जाएगा। तो ये आपका एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग में देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम इंडिया और श्रीलंका की बात करें, तो इसमें जो मेन कॉन्फ्लिक्ट होता है, एक जो मछुआरे हैं, कई बार क्या होता है कि इंडिया के जो मछुआरे हैं वो श्रीलंका मछली पकड़ते हुए चले जाते हैं, तो इसको लेकर के एक डिस्ट्रीब्यूट देखने को मिलता है। अगला अगर बात करते हैं, तो अगला जो न्यूज़ है, देखिए डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज के द्वारा लॉन्च किया गया है 5th नेशनल वाटर अवार्ड 2023। तो इसमें अगर बात करते हैं, तो जो डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज है या रिवर डेवलपमेंट गंगा रिजर्वेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, उनके द्वारा लॉन्च किया जाएगा 5th नेशनल अवार्ड 2023 ऑन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। इसमें जितने भी जो एप्लीकेशंस हैं जो भरे जाएंगे अवार्डेड के लिए, तो ये रिसीव होंगे ऑनलाइन पोर्टल पे 15 दिसंबर तक। और जितने भी जो बेस्ट स्टेट और जो बेस्ट डिस्ट्रिक्ट विनर होंगे इसमें, इन्हें क्या है एक ट्रॉफी और सर्टिफिकेशन से इन्हें सम्मानित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉप हेडलाइंस न्यूज़, जिसमें हमने नेशनल इंटरनेशनल एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग में, स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग में न्यूज़ डिस्कस किया है। मैं उम्मीद करता हूँ आज जो भी हमने जो भी हमने टॉप हेडलाइंस न्यूज़ डिस्कस किया वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। यदि कोई भी सजेशंस है वीडियो के रिगार्डिंग में आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।